ग्रेड 7 मैथ चैप्टर 4 इंट्रोडक्शन बताई थी मैं आपको, पार्ट 1 सॉल्व कर ली थी, समझा दी थी आपको, पार्ट 2 है ये। अब इसमें क्या बता रखा है, इक्वेशन चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, सिंपल इक्वेशन, वैसे ही हीट एंड ट्रायल मेथड। अब इसमें बता रखा है हीट करो, अभी जैसे 5p + 7 लिखा हुआ है तो इसको क्या करना है हमें, ये p की जगह हमें कोई सा भी नंबर लेना है। जैसे हम सॉल्व करते रहेंगे देखेंगे कि इसमें क्या आने पर 5 प्लस ये मल्टीप्लाई है, 5p मतलब 5 मल्टीप्लाई p है, तो इससे क्या मल्टीप्लाई करने पर प्लस 7 का प्लस 2 करने पर 79 है, यही देखेंगे। देन अगर हम इसको 1 लेंगे, अगर p इक्वल 1 लेंगे, पहले आप समझो p अगर 1 लेंगे तो 5 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 इक्वल टू 17 आ रहे हैं क्या, 5 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 5 प्लस 2 7 आ रहे हैं, तो p 1 है ही नहीं। अगर p को हम 2 लेंगे देन 5 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 5 टू जाए 10 प्लस 2 12 आ रहे हैं, ये भी नहीं है, ये भी आंसर गलत है, मतलब p के वैल्यू 2 भी आप लेंगे तब भी ये आंसर गलत है। देन अगर हम p को 3 लेंगे 5 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2 5 3 जाए 15 प्लस 2 17, देन हम इसमें क्या वैल्यू डालने पर ये सही आया आंसर, p के वैल्यू 3 होने के बाद ही ये 17 आंसर आ रहा है। ऐसे हमें हिट करना है ट्रायल मेथड, इसको आपको वैल्यू डालना है कि ये p या जो भी वेरिएबल होते हैं x है y है उसमें वेरिएबल में कोई भी वैल्यू डाल के देखना है कि ये सही है या नहीं है। अब ये आपके कंप्लीट हो गए, सॉल्विंग इक्वेशन है। अब जैसे x प्लस c इक्वल टू 10 है, x प्लस c 6 इक्वल टू 10, देन हम क्या करेंगे, दो तरह के इक्वेशन रहते हैं। जैसे फर्स्ट वन है x प्लस 6, अगर ये प्लस 6 है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको माइनस 6 लिखेंगे। अगर यहाँ पर x प्लस 6 इक्वल टू 6 माइनस 6 लिख लिए तो हम यहाँ क्या करेंगे, अगर यहाँ माइनस करें तो 10 माइनस 6 करेंगे यहाँ पर, देन हमारे पास क्या आंसर आ रहे हैं, अभी ये और ये कट हो जाएंगे, प्लस और माइनस, प्लस 6 माइनस 6 कट गए, हमारे पास आ गए x इक्वल टू 10 माइनस 6 4। एक तो तरीका ये है जैसे हम करेंगे 3 प्लस एक्स इक्वल टू या x प्लस 3 इक्वल टू 5 कर रहे हैं, तो यहाँ प्लस 3 है तो हम क्या करेंगे 3 प्लस एक्स माइनस 3 कर लेंगे, तो प्लस 3 माइनस 3 कट जाएंगे और यहाँ 5 माइनस 3 कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे x इक्वल टू 2। अब ये एक तरीका है, दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं हम इसको, जैसे मैं इसको यहाँ पर एडिशन है तो यहाँ माइनस ली मैं, प्लस 6 है तो माइनस 6 ली। वैसे और एक तरीका जो है वो है x प्लस 6 इक्वल टू 10 हम कर रहे हैं, इसमें ट्रांसपोजिंग का करेंगे हम, ट्रांसपोजिंग कोई भी साइन होता है जैसे प्लस होता है वो उसका माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन का डिवाइड हो जाएगा और डिवाइड का मल्टीप्लाई हो जाएगा। वैसे ही जैसे x प्लस 6 इक्वल टू 10 है, वैसे ही अगर हम x निकालेंगे, वेरिएबल x ऐड कर लेंगे और जो डिजिट्स है वो अलग कर लेंगे, तो यहाँ पर x प्लस 6 इक्वल टू 10 है, ये जो प्लस है यहाँ जाके क्या हो जाएगा 10 माइनस 6 हो जाएगा, यहाँ आके ये माइनस में इसका साइन चेंज हो गया तो x इक्वल टू 4 हो गया। अब अगर हम ये फर्स्ट तरीके से करें तब भी आंसर 4 आए, सेकंड तरीके से करें तब भी आंसर 4 ही आए। अब जैसे हम लिखेंगे इसको 4x इक्वल टू 20 है, यस, जैसे हमें क्या करना है, जैसे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएंगे, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएंगे, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इस चीज़ को आपको याद रखना है, ट्रांसपोजिंग करेंगे जब इक्वेशन में तब क्या होता है, कौन सा साइन क्या होता है ये देखना पड़ेगा। तो 4x है तो 4x में 4 मल्टीप्लाई एक्स, 4 से मल्टीप्लाई एक्स हो रखा है, देन 20 है। जब इसको हम चेंज करेंगे, इस वेरिएबल को अलग कर देंगे डिजिट और वेरिएबल को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x इक्वल टू यहाँ मल्टीप्लाई हो रखा है 20 डिवाइड 4 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 5। यस, आपको समझ में आ गया अब इक्वेशन कैसे सॉल्व होते हैं। थैंक यू।